दोस्तों आप भी एक क्लिक में अपने फ्रेंड्स को हजारों मैसेज सेंड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जैसे एक ही मैसेज अगर आप चाहते हो कि हजारों मैसेज में लिखा हुआ हो तो हजारों मैसेज में लिखा हुआ मिलेगा। जैसे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है रिपीटेड टेस्ट, देखिए जैसे ये लिखा हुआ है रिपीटेड टेस्ट, तो मैं इसको यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एंटर टेस्ट लिखा हुआ है। और चलिए मैं आपको हाई लिख के दिखाता हूँ, नॉर्मली हाई लिखता हूँ और मैं अगर चाहता हूँ कि ये कितने बार लिखा हुआ है, जैसे 1000 बार, 50 बार, 100 बार, 200 बार, जितनी बार चाहिए आपको। यहाँ पे एक रिपीटेशन लिमिट है, चलिए मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, रिपीटेशन लिमिट पे लिखता हूँ। मान के चलिए मैंने 100 लिख दिया, 100 बार मुझे हाई लिखा हुआ चाहिए। और यहाँ पे जनरेट है, देखिए यहाँ पे ये जनरेट का ऑप्शन है, मैं यहाँ से जनरेट पे क्लिक करता हूँ और ये देखिए नीचे 100 बार हाई लिखा हुआ आ गया। और हम चाहेंगे तो इसको यहाँ से हम इसको सेंड कर सकते हैं, देखिए सेंड का ऑप्शन है, हम यहाँ से इसको सेंड कर सकते हैं और चाहे तो कॉपी भी कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको इसी को, यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको दिख रहा होगा न्यू लाइन का, जो 100 रिपीटेशन लिमिट लिखा हुआ है उसमें से नीचे एक आपको ये ऑप्शन दिख रहा है न्यू लाइन का, हम इसको यहाँ से जब क्लिक करेंगे और क्लिक करके जैसे हम फिर से जनरेट करेंगे तो देखिए ये अलग टाइप में दिखेगा, एक लाइन टाइप का दिखेगा। तो देखिए इस टाइप का हाई लिखा हुआ दिखेगा। तो इस तरह से जैसे हमें अपने फ्रेंड्स को भेजना है तो चलिए हम आपको भेज के भी दिखाते हैं। ये शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से हम अपने व्हाट्सएप को सिलेक्ट करेंगे और व्हाट्सएप को सिलेक्ट करने के बाद देखिए मेरे पास 2 व्हाट्सएप हैं, तो मैं अपने पहले व्हाट्सएप से दूसरे व्हाट्सएप में आपको भेज के दिखाता हूँ। तो क्लिक कर लिया मैंने यहाँ से और क्लिक करने के बाद चलिए मैं आपको दूसरे व्हाट्सएप में सेंड करता हूँ। तो देखिए मैं अपने दूसरे व्हाट्सएप में इसे यहाँ से सेंड कर दिया और सेंड करने के बाद देखिए जो मैंने मैसेज मात्र 1 बार टाइप किया था और ये देखिए कितना लिखा हुआ आया और ये मात्र 1 बार में ही चला गया इतना लिखा हुआ। इस तरह से आप चाहे तो इस मैसेज को 100 के जगह आप 1000 बार भी लिख सकते हैं और ऐसे ही आप सेंड कर सकते हैं। और चलिए हम आपको दूसरे मोबाइल में दिखा भी देते हैं। तो देखिएगा ये दूसरे मोबाइल में ऐसे ही हाई लिखा हुआ 100 मैसेज चला गया होगा और ये देखिए नोटिफिकेशन आ गया, मैं इसको आपको ओपन करके दिखा, तो ये देखिए मैसेज आ गया है मेरे दूसरे व्हाट्सएप में, तो आप देख लिए। चलिए मैं आपको पहले और भी इसके ट्रिक जो है मैं उसको सारे ट्रिक के बारे में आपको बताता हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, इसमें बहुत सारे फंक्शन है, फीचर है। तो चलिए हम आपको एक एक करके सब बताते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने हाई लिखा हुआ है तो हाई के जगह पे कुछ और भी लिख सकता हूँ, जैसे हाई है यहाँ पे अगर हम चाहे तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा लव यू और इस तरह से मैंने लिख दिया। और यहाँ पे चाहे तो मैं इमोजी भी लगा सकता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे इमोजी लगा दिया, कुछ फ्लावर लगा दिया और यहाँ पे फिर मैंने 1000 यहाँ पे मैंने जनरेट कर दिया और फिर यहाँ चेकबॉक्स पे क्लिक किया हुआ है। और जैसे ही जनरेट करूँगा तो देखिए यहाँ पे इस तरह से ये 1000 बार लिखा हुआ आ गया और आप इसको भी यहीं से ऐसे ही क्लिक करके भेज सकते हैं। तो चलिए हम इसे बैक करते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है रैंडम टेस्ट, पहला है अल्फ़ाबेट स्ट्रिंग, 100 कर देता हूँ और यहाँ से जनरेट करता हूँ। तो देखिए इस टाइप का लिखा हुआ कुछ भी आ जाएगा, जो आप देख रहे हैं इस टाइप से कुछ भी लिखा हुआ आ जाएगा और आप भेज सकते हैं। तो दोस्त को आपको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या लिख के भेजे हैं और वो थोड़ा सा चौंक जाएगा कि मेरा दोस्त ने हमको क्या भेजा है और वो खुद ही पूछेगा आपसे आप क्या भेज रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे रैंडम इमोजीज है, आप इमोजीज पे क्लिक करोगे और फिर यहाँ पे 100 पे क्लिक करोगे और जनरेट कर दोगे तो इस टाइप का इमोजी आ जाएगा और इसमें से कोई भी इमोजी आप भेज सकते हो और चाहो तो पूरे इमोजी भी भेज सकते हो। पूरे इमोजी भेजने के लिए सेम यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ से इसे सेंड कर देंगे व्हाट्सअप पे। उसके बाद यहाँ पे है ASCII का कैरेक्टर्स, तो आप इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 100 लिख के जनरेट करेंगे तो देखिए यहाँ पे इस टाइप का लिखा हुआ आएगा। तो चलिए दोस्तों हम आपको डिजिट के बारे में बताते हैं। जैसे ये डिजिट से देख रहे हैं, इसमें हम कोई भी जैसे 100 बार अगर हम करेंगे या 1000 बार करेंगे, ऐसे 1000 बार कर दे और जैसे ही हम जनरेट पे क्लिक करेंगे तो जनरेट पे क्लिक करने के बाद हमें 1000 डिजिट्स लिखा हुआ आएगा, कुछ भी एनी वे 2, 4, 6, 8। चलिए मैं आपको यहाँ से क्लिक करता हूँ और आप ये देख लीजिए, ये कुछ भी लिखा हुआ आएगा कुछ भी, और आप इसको भी यहाँ से सेंड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे में फिर से इमोजी का ऑप्शन है, इमोजी पे क्लिक करके सेम आप वैसे ही यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं और इस तरह का इमोजी आप डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ से बैक चले आते हैं और बैक चले आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है रिपीटेड लेटर्स का, तो हम इसे यहाँ से क्लिक करते हैं। और क्लिक करने के बाद दोस्तों ये जो है बिल्कुल ही अच्छा ट्रिक है और आप भी अपने फ्रेंड को ऐसे भेज सकते हैं। चलिए जैसे मुझे यहाँ पे कुछ भी नाम लिखना, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मेरे चैनल का नाम है टेक्निकल फुटेज, तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ TE टेक्निकल और फुटेज, एक ही नाम लिखता हूँ, ये ज़्यादा नाम हो रहा है स्पेस में इसीलिए मैंने एक नाम लेता हूँ। फिर चाहेंगे तो हम दोबारा भी भेज सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जो मेरा टेक्निकल है ये किस तरह से किस लेटर में लिखा हुआ है, तो चलिए मैंने हैच ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने हैच ले लिया, तो अब देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए ये हैच से पूरा टेक्निकल लिखा हुआ आया। देखिए अगर हम यहाँ पे हैच के जगह 1, 2, ABCD कुछ भी लिखेंगे तो केवल उसी से मेरा नाम लिखा हुआ आएगा। देखिए ये जो टी लिखा हुआ है केवल हैच से टी लिखा हुआ है, फिर पूरा जो भी यहाँ पे लिखेंगे पूरा वैसा ही लिखा हुआ आएगा, बस हैच से लिखा हुआ आएगा और इस टाइप से। और इसे भी आप यहाँ से शेयर वाले
आइकॉन पे क्लिक करके जो शेयर का बटन है आप यहाँ से क्लिक करके आप इस तरह से व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं। चलिए हम आपको ये भी भेज के दिखा देते हैं एक बार। जैसे मैंने ये यहाँ से क्लिक किया और यहाँ से देखिए ये सेंड कर दिया, तो जो इस टाइप का देखिए टेक्निकल फुटेज वो आ गया मेरे दूसरे व्हाट्सएप पे। तो आप भी अपने फ्रेंड को अपना नाम इस तरह से लिख के भेज सकते हैं और आपको एक क्लिक में ये पूरा नाम लिखा जाएगा, जिसका भी नाम लिखना चाहेंगे, जो भी लिखना चाहेंगे, और आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा। देखिए दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है क्रेडिट टेस्ट, क्रेडिट टेस्ट को हम यहाँ से क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया टेक्निकल फुटेज और फिर मैंने आपको यहाँ से देखिए नीचे में आपको अलग अलग तरह के सिंबल में आपको ये लिखा हुआ नज़र आएगा अलग अलग स्टाइलिश में, और आप यहाँ से कोई भी स्टाइलिश में सेंड कर सकते हैं। जैसे आपको अपने फ्रेंड को गुड नाइट, गुड मॉर्निंग कुछ भी लिखना है तो आप ऐसे यहाँ पे टेस्ट में लिखेंगे और यहाँ पे जो भी लुक डिज़ाइन आपको अच्छा लगता है आप यहाँ से इसे सेंड कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ से देखिए शेयर वाले आइकॉन है, आप यहाँ से शेयर वाले आइकॉन पर लिख के कोई भी डिज़ाइन को सेंड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक में। तो देखिए दोस्तों, इसमें नेक्स्ट ट्रिक है ASCII इमोटिकॉन्स। तो आप जैसे ही इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखिए इसमें अलग अलग फीलिंग्स वाली स्माइलिंग जो है आप यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं। जो भी आपकी स्माइलिंग या फीलिंग जैसा भी आप शेयर करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से कोई भी शेयर बटन पे क्लिक करके भेज सकते हैं। उसके बाद हम इसे यहाँ से बैक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे वाला ऑप्शन में ब्लैंक टेस्ट। आप जैसे ही ब्लैंक टेस्ट पे क्लिक करेंगे आप यहाँ से देखेंगे कोई भी आपको जब मैसेज करता है उसमें कुछ रहता नहीं है, लेकिन वो पूरा प्लेन डिस्प्ले जो रहता है पूरा वाइट रहता है और कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहता, लेकिन वो भी तब भी वो बहुत लंबा रहता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो आपका डिस्प्ले है ये ब्लैंक रहेगा और मैंने यहाँ पे लेटर लिख दिया 1000 और ये न्यू लाइन पे जो है यहाँ पे बॉक्स में मैंने टिक कर दिया। और टिक करने के बाद जब मैं इसे शेयर करूँगा तो चलिए 1000 तो लंबा हो जाएगा, तो मैंने इसे फिलहाल 100 कर देता हूँ, आप 1000 भी कर सकते हैं। तो मैंने इसे यहाँ से शेयर पे क्लिक किया और आपको भेज के दिखाता हूँ ये किस टाइप का होता है। तो मैंने इसे व्हाट्सएप पे शेयर किया देखिए, और शेयर करने के बाद मैंने ये सेंड कर दिया। सेंड करने के बाद जब इसे मैंने इसे यहाँ से क्लिक किया तो देखिए इस टाइप का मैसेज आएगा। देखिए आप देख सकते हैं ये क्रॉल हो रहा है। ये तो मैंने 100 ही लेटर लिया हूँ इसीलिए यहाँ पे ये छोटा है, लेकिन जब आप 1000 लेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, बिल्कुल कुछ रहेगा नहीं लेकिन ये मैसेज रहेगा बस। और आप देख सकते हैं जो मेरे दूसरे व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा तब भी ये ऐसा ही आया होगा। मैंने आपको ये भी दिखा देता हूँ ओपन करके। तो देखिए मेरा यहाँ जो मैसेज आया हुआ ये देखिए, ये पहला मैसेज था जो मैंने उस समय भेजा था और ये दूसरा मैसेज है ब्लैंक। तो इस तरह से आप और भी लंबा इसको कर सकते हैं जो ये है दिख रहा है आपको। तो चलिए हम आपको नेक्स्ट ट्रिक बताते हैं इसका। तो इसके लिए हम यहाँ से इसे बैक करते हैं और जो लास्ट में है यहाँ पे इमोजी ट्रांसलेटर, तो हम इसे यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, जैसे मैंने हाई लिखा तो यहाँ पे जो एक नीचे में देखिएगा ये हाई का जो हाथ है यहाँ पे लोगो दिख रहा है ये हाई का टाइप का बना हुआ आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखूंगा EEN पेन, तो देखिए यहाँ पे ये पेन का बना हुआ निशान आ गया और आप यहाँ से इसे कॉपी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जैसे हमें लिखना हो बुक का हमें लोगो चाहिए तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बुक, और आप देखिएगा यहाँ पे ये बुक बना हुआ आ गया। तो इस तरह से आप समझ ही गएंगे कि इमोजी ट्रांसलेटर क्या है, जो आप जो भी लिखेंगे उसे ये इमोजी में कन्वर्ट कर देगा। तो चलिए हम आपको अब ये बताते हैं ये मैं इन्हें कैसे कर रहा हूँ और ये क्या चीज़ है और ये कहाँ से आया। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, मैं अपने प्ले स्टोर को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखूँगा टेस्ट रिपीटर। देखिए मैंने पहले से लिखा हुआ है और यहाँ से मैंने देखिए ओपन करने के बाद इस तरह का बहुत सारा आपको टेस्ट रिपीटर लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे जो ये टेस्ट रिपीटर दिख रहा है सेकेंड में, ये मात्र 1.9 MB की है, पूरा सिक्योर है, इसमें आपको कोई भी तरह का परमिशन नहीं देना पड़ेगा। और 1.9 MB है मतलब कि आपका एक फ़ोटो के बराबर ये ऐप है। तो चलिए हम इसे यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं और आपको बताते हैं। जो इसकी रेटिंग है 4.3 की है और 1.9 MB की सबसे छोटा ऐप है और 1 मिलियन प्लस लोगों ने इसे डाउनलोड किया हुआ है और बहुत ही अच्छा ऐप है, इसीलिए मैंने इस ऐप का रिव्यू किया है। इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और मैं इंस्टॉल भी है मात्र बात करते करते इंस्टॉल हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ऐसे यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए ये ऐप डाउनलोड हो गया और मैं इसे ओपन करता हूँ। इसमें कोई भी परमिशन नहीं देना पड़ता है, देखिए बस ये डायरेक्ट ऐसे ही खुल जाता है बस, और इसमें कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे यूजफुल ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।